हेलो दोस्तों, कैसे हो। किसी के काम को पूर्णता से करने से अच्छा है अपना काम करें भले ही अपूर्णता से करें। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीसी काउंसलिंग राउंड थर्ड के बारे में। बहुत सारे डाउट्स हैं, उन्हें एक एक करके अपन क्लियर करते हैं। छोटे छोटे डाउट्स क्या है कि राउंड थर्ड में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैसे रहेगा, राउंड थर्ड में कौन कौन आएगा, एक एक करके बात करते हैं। राउंड थर्ड में वो आएगा जिसको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट ही नहीं मिला है। सिंपल सी बात है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नॉट अलॉटेड कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। फ्री एग्जिट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में लिया है वो भी आएंगे, जिन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया है वो भी यहाँ पे थर्ड राउंड में आ सकते हैं। उसके बाद में अपग्रेडेशन गोइंग ऑन स्टूडेंट, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन किया, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन किया और अब वो थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे थर्ड राउंड में आ जाएंगे। उसके बाद में तुम्हें बोलता हूँ कि अब किस बच्चे को नया रजिस्ट्रेशन और नई सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। एक एक करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिजाइंड कैंडिडेट यहाँ पे नई सिक्योरिटी और नया रजिस्ट्रेशन कराएगा। रिजाइंड कैंडिडेट कौन, जिन्होंने 31 अगस्त तक रिजाइन कर दिया, चाहे वो सेकंड राउंड के बाद में करो चाहे फर्स्ट राउंड में करो, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है कॉलेज वो थर्ड राउंड में आ सकते हैं, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन और नई सिक्योरिटी मनी के साथ में आइएगा। अलॉटमेंट डन, जिसको सेकंड राउंड में सीट मिल गया है लेकिन उन्होंने क्या किया, ज्वाइन नहीं किया, सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो कैंडिडेट भी थर्ड राउंड में आएंगे लेकिन नया रजिस्ट्रेशन नई सिक्योरिटी मनी के साथ में। एक वो बच्चे जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ज्वाइन नहीं किया, वो सीधा ही थर्ड राउंड में पहली बार काउंसलिंग ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी नया रजिस्ट्रेशन और नई सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। ये तो बात समझ में आ गई होगी। यहां से मैं बोलता हूं कि थर्ड राउंड में जिस बच्चे को सीट मिल गई है, एक बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने ये काउंसलिंग का प्रोसेस फॉलो किया और उन्हें थर्ड राउंड में सीट मिल गया, थर्ड राउंड में सीट मिल गया लेकिन वो चाहता है कि मुझे ये सीट नहीं लेनी और वो एग्जिट कर जाता है, वो कॉलेज जाता ही नहीं है, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग ही नहीं करता है। ऐसे केस में उसका सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगा। सिक्योरिटी मनी लॉस के साथ में उसे फोर्थ राउंड मतलब इसरो वैकेंसी राउंड में उसे इलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी, वो इलिजिबल नहीं होगा, लेकिन वो स्टेट काउंसलिंग कर सकता है। कौन सा बच्चा, जो सीट ले चुका है, जिसने यहां से सीट अलॉट करा ली, मतलब जिसको सीट मिल गया है थर्ड राउंड में लेकिन वो कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करता, वो बच्चा फोर्थ राउंड के लिए इलिजिबल नहीं है, उसका सिक्योरिटी मनी चला जाएगा लेकिन वो स्टेट काउंसलिंग ज्वाइन कर सकता है। एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको अलॉटमेंट हो गया था, उसने सीट ज्वाइन कर ली लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद में मतलब रिपोर्टिंग कर ली, कॉलेज में एडमिशन करा लिया, उसके बाद में वो कॉलेज छोड़ के भागता है। अगर वो वहां से सीट छोड़ के भागता है तो उसे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेने दिया जाएगा। वो किसी भी टाइप की काउंसलिंग हो सकती है, वो आयुष काउंसलिंग हो सकती है और वो किसी भी टाइप का वो डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हो, उसे किसी भी काउंसलिंग के लिए इस साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। फोर्थ राउंड में अलग रूल है। फोर्थ राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको सीट लेना ही पड़ेगा, एनी हाउ लेना पड़ेगा। अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो फिर आपको नीट में एक साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, आप नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।